हेलो फ्रेंड्स, लेट्स वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न समथिंग ट्रिकी। तो आज हम कुछ विदेशी भाषाओं के शब्दों को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिन्हें जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और इस इन्हें हम एक ट्रिक के माध्यम से सीख रहे होंगे। ठीक है, और अगर आपको ये मेरी ट्रिक अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारी अगली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो आइए देखते हैं पुर्तगाली भाषा के पहले जो पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। ठीक है, कर्नल, ये कर्नल नाम का कोई व्यक्ति है। ठीक है, कर्नल ने काजू अनानास पपीता, उसने ये तीन चीज़ें तो खाई, काजू खाया, अनानास खाया, पपीता खाकर बोतल से उसने क्या किया, बोतल से उसने काफ़ी पानी पीकर, मतलब पर्याप्त मात्रा में उसने पानी पी लिया। उसने क्या किया, कमीज पर स्त्री करके, मतलब प्रेस करके, प्रेस होती है स्त्री। ठीक है, स्त्री करके, स्त्री, अब स्त्री क्या, स्त्री उसने कर ली, स्त्री के की जगह यहाँ को कर लो, को अलमारी में रख दिया उसने स्त्री को। उसके बाद उसने क्या किया, बाल्टी में फूलगोभी और गमला रखा। ठीक है, फूलगोभी और गमला रखकर उसने क्या किया, मिस्त्री पादरी तो व्यक्ति हैं जिन्होंने संयुक्त रूप से क्या किया है, जिनकी संयुक्त रूप से गोदाम है, उसमें उसने क्या किया, वो गोदाम में वह ले गया और उसने वहाँ रखाया। ठीक है, जो भी सर्कल में वर्ड हैं वो सभी पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। ठीक है, आइए अब दूसरी देखते हैं, फ्रांसीसी भाषा के शब्द। ठीक है, अब क्या हुआ, कारतूस के लिए बिगुल बजा, मतलब कारतूस बिके या कारतूस बिकने का अनाउंसमेंट हुआ। ठीक है, तो बिगुल बजा तो क्या हुआ, कूपन लेने के लिए। अब भाई कुछ ही बिच रही है तो कूपन से वो बिच रही थी, तो कूपन लेने के लिए क्या हुआ, कर्फ्यू लग गया, लोगों का कर्फ्यू लग गया, मतलब भीड़ लग गई। ठीक है, तो इस तरह से फ्रांसीसी भाषा के शब्द याद कर लेना। ठीक, आगे देखते हैं चीनी भाषा के शब्द। चीनी भाषा के शब्द क्या हैं, चीनी, कोई चीनी व्यक्ति है, चीनी ने चाय में चीनी डालकर, उसने क्या किया, चाय में थोड़ी उतनी ज़्यादा मीठी नहीं, उसने उसने और चीनी डाल दी उसमें, चाय में चीनी डालकर और लीची और चीकू के साथ वह पी गया, उसे चीनी को वह चाय को पी गया। ठीक है, चीनी डालकर उसमें पी गया, चीनी एक व्यक्ति है जिसने चाय में चीनी डाली और डालकर लीची और चीकू के साथ पी गया उसे। ठीक है, इसी प्रकार जापानी भाषा के शब्द देख लिए। जापानी भाषा केवल एक है, रिक्शा। ठीक है, इसे भी ट्रिक से है इम्प्लीमेंट कर दिया है, क्या है, जापानी व्यक्ति है, जापानी रिक्शा, क्या हुआ, रिक्शा में सवार होकर आया, तो रिक्शा में सवार होकर वो आया। ठीक है, अभी हो गया जापानी भाषा का शब्द। ठीक है, इसमें और ये देखते हैं तुर्की भाषा के शब्द देखते हैं। ठीक है, बहादुर, अब बहादुर एक हैबिट होती है, तो ये हैबिट किसकी है, कुली की, कुली एक बहादुर व्यक्ति है जिसने क्या किया, कुर्ता पहनकर चाकू लिया, कैंची ली और तमंचा लिया, और उसने क्या लिया, तांस लिए। ठीक है, चाकू, कैंची, तमंचा और तांस लेकर अपने साथ उसे कौन कौन लाए, अपने साथ हत्यारे, मतलब जिन्होंने हत्या की हुई थी, हत्यारे, तोपची और बावरची ने हत्या की थी, उन्हें लाया साथ। ठीक है, तोपची और बावरची को साथ अपनी बेगम की लाश लेकर, उसकी बेगम को उन तोपची और बावरची ने मारा हुआ था, तो अपनी बेगम की लाश लेकर आया और उन्हें भी लेकर आया, सहित सराय। ठीक है, सराय में जहाँ पे दरोगा रहता था, सराय में दरोगा के पास शिकायत करने आया, उसने सीधा, इतना बहादुर था कि वो अपने हत्यारों को भी साथ लेके आया। ठीक है, तो इस प्रकार आप फ्रांसीसी ये तुर्की भाषा के शब्द याद कर सकते हैं। ठीक है, तो बताइए आपको हमारी ट्रिक कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।